हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमने अपने मुँह से इसे बोलना है। अगर आप हिंदी में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहते हो, वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। माय लाइफ इज कॉन्सिक्रेटेड टू यू डियर फादर। Thank you for your love for me and for your glory in my life today and always. I live to glorify you, serving you with wholehearted devotion, keeping your word, fulfilling your purpose for my life and producing works of righteousness. In Jesus' name, Amen. मेरा जीवन पवित्र कर लिया गया है तेरे लिए प्यारे पिता। तुझे धन्यवाद हो तेरे इस प्रेम के लिए जो तूने मुझे दिया है, और तेरी महिमा के लिए जो मेरे जीवन में है आज और हमेशा। मैं तुझे महिमा देता हुआ जीऊंगा, तेरी सेवा संपूर्ण हृदय के साथ, भक्ति के साथ करता हुआ, तेरे वचन को पालन करता हुआ, तेरे उद्देश्य को मेरे जीवन में जो तेरा उद्देश्य है उसको पूरा करता हुआ, और धार्मिकता के कामों को उपज लाता हुआ मैं जीऊंगा और जीता रहूंगा, यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, 1 पीटर 1:13-14, Philippians 2:5-10। पहला पत्रस 1:13-14, फिलिपियों की पत्री 2:5-10। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 पीटर 1:13-14 पढ़ेंगे। वेयरफोर गर्ड अप द लॉयंस ऑफ योर माइंड, बी सोबर एंड होप टू द एंड फॉर द ग्रेस दैट इज टू बी ब्रॉट अनटू यू at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. ये वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, पहला पत्रस पहले अध्याय का 13-14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। और एक बार पढ़ेंगे पहले पत्रस 1:13-14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो।
Philippians 2 chapter 5 verse 10 verse, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every दस वचन तक हमने पढ़ा, यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा. फिलिपियों की पत्री 2:5-10 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. हालेलुया. फिलिपियों के पत्र 2:5-10 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. आमेन. थैंक यू जीसस. अब फादर गॉड, ये कबूली, ये वचन हमारे जहन में पक्के बना दे खुदा, और सही जगह में इसके आकार, इसके रूप को हमारे अंदर ढल कर लेकर आ. नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता. अमेन अमेन अमेन.